नमस्कार। जय राजस्थान, जय राजस्थानी। मनीषा जी रो हार्दिक स्वागत है। आप रो परिचय कराऊं, उनसे पहले मैं आप बात कहनी चाहूं कि आज जन सरोकार मंच रहे इन वर्चुअल आंगणी है, आपनी भाषा, आपनी कविता इन कार्यक्रम की एक शुरुआत हुई है, जिनका उद्देश्य वो है कि राजस्थानी भाषा ने विकी कर आगे बढ़ावा। तो इन माय जन सरोकार मंच रो गिलारी सहयोग है और उन्हीं जरे पेटे आ एक श्रृंखला शुरू करी गई है, काव्य निर्झर नाम अपाई ने दे सका। तो कोशिश आ रही थी कि जन सरोकार मंच जी को नाम से भी आप जानो हो, काव्य प्रतिभा राजस्थानी री नूवी और पारंपरिक कविता रा जी का लिखा रहा है बाने शामिल आवे और अंतरराष्ट्रीय मंच माथे भी बारी पहचान और ओरखान हुए। व्यक्ति री पहचान नहीं, भाषा री ओरखान, भाषा री पहचान। तो इन सारू जन सरोकार मंच रे काली सुमे मोनिका गौड़ आप सगड़ा लोजी का सुन रहा है, जिको वर्चुअल मंच माते जुड़ सी और स्वागत करूं। और मैं स्वागत करनी चाहूं एक ऐडी शख्सियत, एक ऐडी लेखिका जिकी मारी सखी है, तो एक स्वाभाविक स्नेह है मेरे वास्ते मारो। पर मैं कहनी चाहूं कि मनीषा आर्य सोनी बीकानेरी एक ऐडी शख्सियत है, एक ऐडो नाम है जिको राजस्थानी गीता में आपरी निर्वाणी ओरखान और पिछान रखे है, जिया एक नक्षत्र हुए आसमान में दीप है। तो उन्हीं भाते आप रा गीत दीप है। आप सामाजिक सरोकार में भी आगे रहा हो, स्वर्णकार समाज रा आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, इन अलावा शब्दी साहित्य संस्थान में आप जी का है महासचिव रे पद माथे और काफी सारे कार्यक्रम करता रहा हो, और साथ ही साथ है आप एक रंग नेत्री भी आप रहा है। आकाशवाणी से आप लगातार जुड़ाव है, दूरदर्शन से आप जुड़ाव है, और लाल दिना आप चार पोथियां रो लोकार्पण हुओ, भव्य कार्यक्रम हुयो। तो आपसू मनीषा जी, इन पूरे समाज ने, साहित्यिक समाज ने बहुत ज्यादा उम्मीद है कि एक पसवाड़ो पोरते जी की भाषा है, भाषारी जी की लकब, भाषारी जी की मठोठ आप रे करने हैं, बाल लोगा तय पुगेला। तो मित्रों, मैं ज्यादा बात नहीं करूँगा, आप मनीषा ने खुद सुनोला और फिर तय करोला। पर उम्मीद आई करसू कि आप प्रोग्राम देखो, इन्हें लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करो, और महादोनवा ने और जन सरोकार मंच ने आप आशीर्वाद दो कि मैं लोग राजस्थानी भाषा रो जी को एक वो नवाचार आरंभ करे है, शुरुआत करी है। आप रे आशीष बड़ी रहे, मां सुरसत्रो आदेश और आशीष बड़ी रहे। तो मैं बहुत स्नेह रे साथ है, बहुत मान रे साथ है, मनीषारी पंक्तियां सुबाने मैं नू तू मैं आवाज देऊं कि ललकार सुननी होवे का बूझनी होवे जुंझार पड़े री पड़थक कल झल। ललकार सुननी होवे का बूझनी होवे जुझार पड़े री पड़थक कल झल, तो देख्या सावड़, तो देख्या सावड़ तपते बढ़ते तवे माथे तांडव एक नान की बूंद रो लोप होया सु पहली। तो देख्या तांडव एक नान की बूंद रो लोप होया सु पहली। तो भाषा रो नयो मुहावरो गढ़ती राजस्थानी भाषा ने, मायने नई उपमावा, नया प्रतिमान, नया बिंब गढ़न वाली मंच माते स्वागत है। मनीषा जी, आप और आप रो मंच है, आप कविताओं से सरोबर करो। जन सरोकार मंच ने अभिनंदन करूं, राम राम करूं, खमा खणी करूं। और जन सरोकार मंच की जी की आ खेचल है, आपरी भाषा रे पेटे राजस्थानी भाषा रे वास्ते आज को एक प्रयास करियो जा रियो है, इन्हें मैं घणे मान से निमण करूं। और आज की खेचल है आ लगातार सबरे आ आग जी की आ सबरे मायने दुखनी चाहिए, जब जार गठे अपने मान्यता रे बेटे कहीं कहीं अपन ले पड़ता। और मैं तो चाहूँ आसान को पांग मान्य तो मिलनी चाहिए, जड़ी भाषा ने मान मिले ला, सम्मान मिले ला। मोरी का वरिष्ठ कवित्री, कथाकार और बहुत अच्छी समीक्षक, सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा पारखी नजर जिके रही है, बिने मैं ई मंच री तरफ से वंदन करूँ, अभिनंदन करूँ। मोनिका रो सखी रे नाते एक असीम स्नेह जी को है, वो छोड़ा मार तो रहे तो वीरे अनुसार कि ज्यादा तो बाकी आप दर्शक लोग जानो ला कि किसो को मैं लिख पाई और किसो आपरे हेवड़े तक पहुंच सकियो है। सखी तो आपरी तारीफ करे ही करे। और आज मैं की कल बहुत कम आपरे पेटे बात करी, क्योंकि मैं चाहूं कि आपरी कविता में बोले, आपरा शब्द बोले, आपरा आखर बोले, और आपरी जी की मिठास है जी काना में जी मिश्री जी घुले बा श्रोता माता एक दर्शक ताई कूगे। स्वागत है आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका। और
भाषारी मान्यतारी अवार भी मैं बहुत बड़ी आस लगार बैठे आ, बहुत बड़ो आंचल पसार बैठे आ, लेकिन बाकी से चीजें मिल गई, लेकिन आ चीज हाल भी बाकी है। देखो जैठे आस है, बैठे विश्वास है, बैठे उम्मीद है, और उम्मीद जैठे है बैठे कहीं कहीं सकारात्मकता रहे, आओ तो विश्वास रखा। और राजस्थानी भाषा इतनी मोहताज को नहीं कि अगर मान्यता नहीं मिली तो वीरे कोई मेहता कम हो जावे। तो वीरो जी को आपरो परचम है, वीरे आपरी जी की एक गरिमामय, एक जी की बिरी मठोट है, आवाज री मिठास री शब्दा री अकूत भंडार री, ये प्रपूरो विश्वास है कि भाई एक नहीं दिन मान्यता मिले ना मिले, लेकिन कम से कम मैं हमारे हिवड़े सू ये भाषा ने परोटा, और ज्यादा से ज्यादा ये भाषा पर आपरी बात रखा और लोगों तक भी बात पहुंचावा। तो भाषा रे वास्ते मैं हमारी नवी कविता रे पोथी जी की है हिलोर, फिर मासू एक गीत भाषा रे पेटे मैं सबसे पहले अर्पण करनी चाहूं। भाषा मान गुमान तुम्हारी भाषा मान रे खातर मैं तो मीठा गीत रचा सा, म्हारी भाषा मान रे खातर मैं तो मीठा गीत रचा सा, निजरी बोली हीरा तोली हरख हरख जस गा सा, म्हारी भाषा मान रे खातर मैं तो मीठा गीत रचा सा, पहली घर में कर लो एको फेर धरो पगबारे, पहली घर में कर लो एको फेर धरो पगबारे, घर घर गूंजे राजस्थानी गली गली चौबारे, जय जय राजस्थानी रा में नारा फेर लगा सा, म्हारी भाषा मान रे खातर मैं तो मीठा गीत रचा सा, आन बान अरशान रु परचो है ओ राजस्थान, आन बान अरशान रु परचो है ओ राजस्थान, कितरा लूठा डंका एनरा कितरी ऊंची शान, पण मायड़ भाषा झुरे एकली इनने मान दरा सा, म्हारी भाषा मान रे खातर मैं तो मीठा गीत रचा सा। और जठे सु ई मान्यता मिलने की उम्मीद है, बी दरवाजे ताई बी किवाड़ ताई मारी बात पूगे, बी दर ताई मारी बात पूगे कि दिल्ली जावणिया ने दीजो जनता रो संदेशो, दिल्ली जावणिया ने दीजो जनता रो संदेशो, अब की थे पाछा बोला इण मैं रैसी अंदेशो, निज भाषा सू छल री कीमत, निज भाषा सू छल री कीमत देखो किया चुका सा, म्हारी भाषा मान रे खातर मैं तो मीठा गीत रचा सा, म्हारी भाषा मान रे खातर मैं तो मीठा गीत रचा सा। और ज्यो कह जा सके कि भाषा जठेरी जिंदा रहे बठेरी संस्कृति, और जठेरी संस्कृति जिंदा रहे बठे वो देश वो वीरो भूगोल वीरो इतिहास वो सब जिंदा रहे, मैं जिंदा रहा और आने वाली पीढ़ियां जी की है वह आज जान सके कि मैं कहीं हाँ, और एक अस्तित्व नाट्य जी को एक चेतो रहना चाहिए। ये पर हमारी एक सबली एक अरज है, न सिर्फ जनता सु जनता रहे रुखाड़ दारा सु भी, कि भाषा ने मान्यता मिलनी ही चाहिए। आ मायड़ भाषा है, अगर इन मायड़ भाषा ही कह दी तो मायड़ रो पूरा सम्मान फिर होना ही चाहिए, और मायड़ की बात चाली है तो माँ ने किया भूल सका। तो माँ पर एक हमारी एक कविता है जिसकी आप सबने सुनूं कि बेसवादी जून अलूनी, बेसवादी जून अलूनी कुंजो है मिसरी रो माँ, बेसवादी जून अलूनी कुंजो है मिसरी रो माँ, बदी सुदी सो अलगी थलगी, बदी सुदी सू अलगी थड़गी सदाई चानण पखे माँ, अणु तो लाड लडावण वाली, अणु तो लाड लडावण वाली इमृत रसो कलसो माँ, कह लेवे पर कहण न देवे, कह लेवे पर कहण न देवे, नीम गिलोय सी बाड़ी माँ, अर एक तुही देख रखे, एक माँ है जी की देख रखा करे, एक तू ही देख रखे, कहवे चंदा तारो माँ, सुपनारी किरचिया दीदा फूले, सुपनारी किरचिया
दीदा फोड़े सुपना साच करावे माँ और निजर उतार इलाज करे है। निजर उतार इलाज करे है कितरी लूठी बैद है माँ। निजर उतार इलाज करे है कितरी लूठी बैद है माँ। मुड़के सामी रोवे छानी, मुड़के सामी रोवे छानी, ये भाठो तर जीवे माँ। और फलाणी एरी माँ सुन इतरे, फलाणी एरी माँ सुन इतरे, आपरो आपो खोए माँ। एक एकली सब पर भारी, एक एकली सब पर भारी है देवी अवतारी माँ। और मैं मरगी तो कुण सांभेला, मैं मरगी तो कुण सांभेला, तू जबरी अभिशासन माँ। भाटा भाखर धोख देवती, भाटा भाखर धोख देवती, जून सवाई कीनी माँ। सैन एक बरोबर पाड़ी, सैन एक बरोबर पाड़ी, आज बंट में बंटगी माँ। कदे न खोटो कारज करजो, कदे न खोटो कारज करजो, लाज सु मर जासी माँ। और थारी महिमा लिखूं किया मैं, थारी महिमा लिखूं किया मैं, आखर खिमता सु पार है माँ। और बेसवादी जून अलूनी कुंजो है मिसरी रो माँ। तो मारी महिमा और मारी बात करा तो आ लगो लग अपने आंगली पकड़े कठे कठे ले जावे, आप कहीं गिनारी नहीं कर सका, अब अपू गिन सका बठे तक जेठे तक, मारी छिप जावे, मारी ममता जावे। और मारो ओ आंचल कितो विस्तृत है, कितो पसार लियोड़ो है, आप कदी भी थार ने पू गिन सका। एक गीत माँ पर एक और, फिर मैं हमारी दूजी एक और कविता रखूंगी। माए किसो विषय है कि जठे जार अपा गम जावा, अपा खो जावा, अपा लादा ही बोनी खुद कि भी आंचल में आप थे कितनी जगह कठे कठे जार लुक गया, और धीरे धीरे बात बार आवे और माँ तक आ बात पहुंचे कि आज मारी व्यथा लिखू, आज ई गीत रह सारू मैं बिन सब मावा ने प्रणाम करने चाहूं, दोग देव ने चाहूं, वंदन करने चाहूं, बिहारी खेचड़ ने जिका आप आपरे जीवन में अलग अलग तरह रा कष्ट हो गया है। हर मारा अलग अलग रूप है और हर रूप में माँ किया परेशान रही है, किया अब खाया में गिरी जोड़ी है। बेसिकली बात ने मैं ई गीत सारू देव ने चाहूं कि आज मारी व्यथा लिखू या उन गुणगान लिखू, हंसती हंसती फोड़ा पाया किया करया विषपान लिखू, किया करया विषपान लिखू, लिखू किया अभिशासनी रे काल जेरी तोर ने, लिखू किया अभिशासनी रे काल जेरी पीड़ ने, ले सागे जयोड़ा कूदगी किनी कुए तड़ाव में, ले सागे जयोड़ा कूदगी किनी कुए तड़ाव में, उनरी पीड़ ने थे समझो, उनरी पीड़ ने थे समझो, तो थाने धन्यवाद लिखूं, हंसती हंसती फोड़ा पाया किया करया विषपान लिखूं, किया करया विषपान लिखूं। भली करी रे तू विधाता, ओ बंद खास तौर पर काम का जी मावा ने मुनिका सरी की जुझारो ने और बाकी उन तमाम मावा ने जिकी घर गृहस्थी सांभते और बार रो काम भी सांभे और जिम्मेदारी आपरी दूनी जिम्मेदारी ने हंसते हंसते निभा जावे कि भली करी रे तू विधाता उनने दिया तू दो ही कांधा, भली करी रे तू विधाता उनने दिया तू दो ही कांधा, एक गिरस्त रे भार ने ढोवे दूजे पर रोजीरी चिंता, बिरी अब खाई कमती कर दे, बिरी अब खाई कमती कर दे, ईसा के साथ फरमान लिखूं, हंसती हंसती फोड़ा पाया किया करया विषपान लिखूं, किया करया विषपान लिखूं। एक सुपन आख्या सुबर से
किन पाती पर चिट्ठी भेजू वृद्धाश्रम रोठाम लिखू हसती हसती फोड़ा पाया किया करया विष पान लिखू किया करया विष पान लिखू आज मारी व्यथा लिखू या उनरा गुणगान लिखू हसती हसती फोड़ा पाया किया करया विष पान लिखू। ए मारा रूप है और मां किता किता रूपा में आप री सिगली जीवन आप रो सिगलो जीवन होम कर देवे और कदी कोई ने ठाई नहीं पड़े कि वीरा करियोड़ा बलिदान वीरा करियोड़ा जी का काम है बेकिया आप रे टावर री जून ने सवायो कर जावे और टावर एक छेन एक पल री लगावे बिने बिसर तो तुम्हारी उन सब टावरा सो अरज विनती और एक चेतावनी भी कि उन मां ने जरूर समझो जी की माँ आप रे वास्ते आप रो जीवन होम करे। एक सावण रो महीनो चल रहे और बीकानेर रो सावण सदाई सुरंगो के गयो है गीतों में गाई जी तो ई सावण रे पेटे एक गीत राखने चाहूं और सावण री महिमा और सावण में स्त्री ने जिको एक मुक्त आकाश मिले एक मुगत आबो जिको बिने मिले भी मुगत आबे पर बाकियां ऐतरावे और बाकियां हक जतावे भी पर गीत रे माध्यम से बात में रखने चाहूं कि सावन सुरंग आयो मन में उमंग लायो सावन सुरंग आयो मन में उमंग लायो पीर सु गुलाव आयो मन हर साए है सावन सुरंग आयो मन में उमंग लायो पीर सु गुलाव आयो मन हर साए है सख्यार सहेलिया मिल उछब मनावा मिल सख्यार सहेलिया मिल उछब मनावा मिल चूड़े वाली हाथ माए मेहंदी रचावे है लुमारा थपेड़ा मिटा धर तीरा कंठ बीजा सुर जीर तावड़न बादली हरावे है सुर जीर तावड़न बादली हरावे है तालाब भी कहे मैं कोनी नदी भी जवान हुई तड़ाव भी कहवे में कोनी नदी भी जवान हुई बावड़ी भी आपरो जोगन दिखावे है भूरोड़ा भूरज बाजे बिजली भी संग नाचे भूरोड़ा भूरज गाजे बिजली भी संग नाचे ठंडी छांके सूखे ही ये बढ़त जगावे है ठंडी छांके सूखे ही ये बढ़त जगावे है दाल बाटी चूर में घेरे तेरी धार पड़े दाल बाटी चूर में घिरे तेरी धार पड़े मेहंदी रचा हाथ उन स्वाद ने बधावे है अरे 12 महीने में एक सावण है थारे पेटे 12 महीने में एक सावण है थारे पेटे खोल दे घूंघटियो आकाश बुलावे है खोल दे घूंघटियो आकाश बुलावे है सावण सुरंग आयो मन में उमंग लायो पीर सुगुला आयो मन हर सावे है पीर वाह सुगुला आयो मन हर सावे वाह तो मनीषा सावन बहुत का शानदार गीत आप सुना रहे हो और मैं चाहूं कि आप जी की छंद मुक्त कविता मा है जिकारी मारक क्षमतारी में बात करी खिनतारी तो दो चार आप मैं भी सुनाओ तो महाराज जी का दर्शक है जी का जुड़ोड़ा है लोग जी का सुन सी बाने बिठा पड़े कि राजस्थानी गीत में जितनी मिठास है उतनी ही जितनी मारक खिमता है बा छंदमुक्त कविता में भी है और बा भी राष्ट्रीय फलक पर दूजी भाषाओं से किनी पेटे कम नहीं है। बिल्कुल मोनिका, कवित भाव तो कविता री एक जड़ है एक पहचान है और वो भाव है जिकी ही कविता है बिना बाकी शब्द और बाकी तकनीक तो एक अलगी बात है बीजी बात है मुख्य बात तो भी भाव री है जिकी बिना कविता बनावे और बात किसी भी तरीके से अपार राख सका किड़ी भी पेटे अपार राख सका तो सबसे पहली जिकी कविता सुन
से परिचय दियो कि कविता ने मैं राखू चार पंक्तियारी छोटी कविता है मोटा भाव लियो कि ललकार सुननी हुए या बूझनी हुए, ललकार सुननी हुए या बूझनी हुए जुंझार पड़े रे परतर पल जाए, ललकार सुननी हुए या बूझनी हुए जुंझार पड़ेरी परतक पड़झड़ तो देखिया सावर, तपते बढ़ते तवे माथे तांडव एक नाम की बूंद रो लोक देखिया सावर एक नाम की बूंद रो लोक से पहले ऐसा वो तांडव है और तांडव एक नारी रो गुमेज है गुमान है एक जौहर में भसम हुंती एक लुगाई रो पूरो आखो गुमेज है कि हाँ वीर तू पहली भी एक सिंगार करियो जा सके आ बात एक राजस्थानी महिला ही जान सके और एक राजस्थानी संस्कृति री गुमेज परंपरा जी की है वही जान सके। तो आज की बात है एक मैं दूसरी कविता में भी एक बात कहूँ कि एक बहुत साधारण सी एक बात होया करे कि अपना देखा कि कभी भी कोई लुगाई जी की है अगर वह अपने पगा पर खड़ी होना चाहे तो फिर वो पहलो जी वो कदम है वो बहुत छोटे से एक व्यवसाय से शुरू हुए अपना पढ़ा कठे कि यहाँ फॉल पिको किए जाते हैं। तो ये पर मैं एक मारी चार पंक्ति फिर एक अतुगान कविता रखूं कि यहाँ फॉल पिको किए जाते हैं एक वाक है, यहाँ फॉल पिको किए जाते हैं एक वाक है गुमेजरी अमेर रो, एक वाक है गुमेजरी अमेर रो ई वाक रमाय रचिया कोई जिया है एक लुगाई री जुंडरा आखा तीबा, एक लुगाई री जुंडरा आखा तीबा गुमान भरिया पाका तीबा रुबावरा टीका टामना अर मेहनत रा गोटा मगजी, अर मेहनत रा गोटा मगजी। एक राजस्थानी संस्कृति पूरी जी की है वह आपरे स्वाभिमान रा साथे खड़ी है और महिला इस स्वाभिमान ने हमेशा जीवती आई है परोठती आई है। तो घूमरे चरखा घूम एक राजस्थानी लोकगीत खासो लोकप्रिय लोकगीत है और बिना मैं मारी कविता में यहाँ परोटू हूँ कि घूमरे चरखा घूम मारे घर रे मालक थू और चरखो है आखी धरती री आधी जमात रो जलम जात बेली थू, और चरखो है आखी धरती री आखी जमात रो जलम जात बेली कोई घूमे है सलंग नित साणी, घूमे है सलंग नित साणी अड़ायदा काण कायदा सागे अड़गी अड़गी तकनीक सू, अड़ायदा काण कायदा सागे अड़गी अड़गी तकनीक सू लिया हाथ माए सिलाई मशीन रो हथो कदई कार स्टेरिंग और कदई भोरान भोर बस रे पहिये री गति ने साधती डेली अप डाउन करती लुगाई और नरेगारी मजूरन या घरा घरा माए दांदन धोती काम वाली बाई काते है सांसारा सूट लुगाई लगो लग ये चरखे रहता, या घरा माए धांदन धोती काम वाली बाई काते है सांसारा सूट लुगाई लगो लग ये चरखे रहता खरदरा खरदरा बनावन सारू मुखमलिया जमारो आपरे परिवार, बनावन सारू मुखमलिया जमारो आपरे परिवार। अरे वाह बहुत 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 जोरदार बहुत उम्दा सर्वश्रेष्ठ रचना हुआ आप आज राखी और मैं दर्शकों से आप सगरा से आप बात कहनी चाहूँ कि कविता कितनी साधारण चीज से निकल सके और मेरी व्यंजना कितनी दूर तय ध्वनित हुए आप मनीषा जी की कविता में सुनी है चरखो हुए चाहे फॉल पीकू हुए और चाहे वो तवे माथे जी की बूंद है छोटी सी आज की व्यंजना है आज की राजस्थानी भाषा जी की पहुंच है आप बहुत जोरदार है और मनीषा जी आप लोग घनमोलो समय इन कार्यक्रम सारू दियो काबे निर्जय सारू दियो और मैं उम्मीद करा ना कि आगे जज्जत भी जन सरोकार मंच राजस्थानी भाषा सारू कोई काम कर सी तो आप लोग सहयोग आप लोग साथ आपकी रचनावा इन बात आपने मिला ला तो आप चूंकि समय की मर्यादा है तो विदा लेवनी पड़ सी। मनीषा जी सामाजिक सरोकारारी सुमधुर स्वरारी शब्दारी कारीगर मनीषा रे सोनी जीरो मैं जन सरोकार मंच कानी छू घणो घणो आभार ज्ञापित करूँ धन्यवाद करूँ और आप यशस्वी हो और लेखनी सवाई हुए घणा घणा धन्यवाद जय राजस्थान जय राजस्थानी जय राजस्थान जय जय राजस्थानी।